हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड दिस इज योर इंटर कॉस्टिंग। ओके, तो जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, जो आप लोगों ने सीनियर्स से सुना होगा, यू नो, या लाइक यू नो दैट आप लोगों को थोड़ा बहुत भी जो भी मेरे बारे में पता है कि मैं पूरे बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। वंस अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया देन देर इज नो प्रॉब्लम, राइट। अपन जो कॉस्टिंग का जो पार्ट है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज ए प्रिपरेशन एंड सेकंड इज ए रिवीजन एंड थर्ड इज हाउ टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। ओके, पहले पूरा प्रिपरेशन पार्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको रिवाइज कैसे करने का, उसके लिए आपके क्या क्रैश कोर्सेज रहते हैं, राइट। और उसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम्स, आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो प्रिपरेशन पार्ट यू डिवाइड इन टू, फर्स्ट what is topic itself and second what is the importance of this topic in day to day life। आपका topic क्या है और उस topic का क्या importance है in day to day life। believe me friends, ये जो आपका paper है, ये आपका paper like you know पूरे group को खत्म कर सकता है, मतलब आपका aggregate का problem पूरा खत्म कर सकता है। अगर आपका इसमें स्कोर हो गया, इस सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर हो गया तो आपका पूरा ग्रुप आराम से निकल जाएगा। जैसे एफएम में मैंने आपको सिखाया था कि एफएम में जिन लोगों ने हमारा क्रैश कोर्स किया, अगर उन्होंने प्रॉपरली वो कर लिया तो आपका पूरा सेकंड ग्रुप का गारंटी है, मतलब ना, क्योंकि एक जगह तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, राइट। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। जैसे सपोज मैं आपको पूछता हूँ कि लाइक यू नो दैट कि आपने 100 टी शर्ट्स परचेज किया, 100 टी शर्ट आपने परचेज किया एट द रेट ऑफ सपोज ₹100। सो गिव मी फ्रेंकली आंसर ना, सो आई कैन अंडरस्टैंड यू नो व्हाट इज योर लेवल ऑफ नॉलेज। आपने 100 टी शर्ट परचेज किया एट द रेट ऑफ 100, आउट ऑफ दिस 50 इज सोल्ड, तो बाकी के 50 को हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। बाकी का 50 जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। नाउ आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्लोजिंग स्टॉक, इस क्लोजिंग स्टॉक का क्या वैल्यू है। सिंपली आपको बताना है कि आउट ऑफ दिस 50 सोल्ड, 50 आपका सोल्ड हो गया, 50 आपका क्या बचा है, इज ए क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका क्या वैल्यू रहेगा, उसका क्या वैल्यू रहेगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, आप बोलेंगे सर 50 और आपने कितने में परचेस किया है, इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 5000, इट मीन दिस इज योर कॉस्ट, कॉस्ट पर आपने वैल्यू किया। लेकिन आपने हमेशा सुना होगा कि वी टेक कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। क्यों ऐसा क्यों होता है करके ना, क्यों हम 5000 क्यों नहीं ले सकते, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस क्यों लेंगे, राइट। व्हाई, बिकॉज दिस इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। लॉ का रिक्वायरमेंट ये बोलता है कि आपको लेना है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। बट कॉस्टिंग में आपको क्या लेना है कि 100 में से 50 सोल्ड हो गया, तो बाकी का 50 हमने क्या रेट से परचेस किया था, 100 से, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा ₹5000। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या लेंगे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, दिस इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। बट एज पर कॉस्टिंग हम क्या लेंगे, एज पर कॉस्टिंग हम क्या लेंगे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना। जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ, यू टेक सेकेंड एग्जाम्पल, एक मैंने मशीन परचेज किया, राइट, दिस इज द मशीन, मैंने एक मशीन परचेज किया सपोज से ₹50,000, बराबर। द कैपेसिटी ऑफ द मशीन वी कैन प्रोड्यूस इन दिस इज सपोज से 50,000 यूनिट्स। हम लोग इसमें कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, 50,000 यूनिट्स। सपोज इन द फर्स्ट ईयर देर इज ए प्रोडक्शन ऑफ 40,000, इन द सेकेंड ईयर देर इज ए प्रोडक्शन ऑफ 5,000, इन द थर्ड सपोज 2,500 एंड इन द फोर्थ सपोज 2,500। इट मीन्स 50,000 यूनिट्स हम लोग कैसे बनाएंगे वो आपको दे रखा है। कॉस्ट ऑफ द मशीन सपोज 50,000 एंड योर स्क्रैप वैल्यू इज जीरो।
कैपेसिटी कैपेसिटी इज 50,000 यूनिट. अब सपोज मैं आपको बोलता हूं कि फर्स्ट ईयर में दिस इज माय ईयर ईयर 1 2 3 4, ये 4 इयर्स का इसका लाइफ है. फोर इयर्स का मशीन का लाइफ है. आई रिपीट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन? कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 50,000. स्क्रैप वैल्यू इज जीरो एंड लाइफ इज 4 इयर्स. इन 4 इयर्स में वी कैन प्रोड्यूस अप टू 50,000 यूनिट्स. सपोज फर्स्ट ईयर में वी वॉन्टेड टू प्रोड्यूस 40,000, सेकेंड ईयर में 5, थर्ड ईयर में 2400 एंड लास्ट ईयर में 2500, टोटल 50,000. नाउ सपोज आई वॉन्टेड टू नो हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर. आप बोलोगे सर SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड. इट मीन्स 50,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस कम्स टू 12,500. यू नो डेप्रिसिएशन इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो 12,500, 12,500. इट मीन्स फर्स्ट ईयर में योर डेप्रिसिएशन पर यूनिट विल बी डिवाइडेड बाई 40,000. दिस कम्स टू पर यूनिट डेप्रिसिएशन विल बी 0.3125. सेकेंड ईयर में आपका हो जाएगा डेप्रिसिएशन 12,500 डिवाइडेड बाई 5,000 इज 2.5. थर्ड ईयर में आपका हो जाएगा 12,500 डिवाइडेड बाई 2500 इज 5 रुपीज पर यूनिट एंड फोर्थ ईयर में 5 रुपीज पर यूनिट इफ यू गो एज पर SLM. तो SLM अगेन इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. SLM क्या है? अगेन इट्स ए रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. अगर आपको इसी में अगर आपको ये देखना है कॉस्टिंग में, तो आपको डेप्रिसिएशन क्या लेना पड़ेगा करेक्ट कॉस्ट के लिए? 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000. 50,000 यूनिट्स, 50,000 रुपीज, 50,000 यूनिट्स. इट मीन्स योर डेप्रिसिएशन पर यूनिट इज 1. तो फर्स्ट ईयर में आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 40,000, सेकेंड ईयर में आपका डेप्रिसिएशन 5,000, थर्ड ईयर में 2500 एंड फोर्थ ईयर में 2500. सही है सुना. ये हम लोग 12,500 नहीं चार्ज कर सकते बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. आपको इस तरह से सोचना है करके ना, इंस्टीट्यूट हट के ही आपसे बात करेगा. ओके आपको इस तरह से मैं आपको बोलूं, आप सीख के आए कि सपोज राम अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड दिस इज सपोज से 50,000. मैं आपको पूछता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंट्री. आप बोलेंगे सर अमाउंट पेड टू राम. ऐसा भी तो हो सकता है वी रिसीव्ड वन चेक फ्रॉम राम एंड द चेक गॉट डिसऑनर. आपका चेक डिसऑनर हो गया, क्या एंट्री होगी? दैट्स वाई द नरेशन इज रिक्वायर्ड. खाली एंट्री से आपको पता नहीं चलेगा. इंस्टीट्यूट आपको ऐसे ही पूछेगा एकदम कि जिसको आप सोच भी नहीं पाएंगे. राइट, इट्स ए प्रोफेशनल स्टडीज. मैंने आपको बताया था अपने इंट्रोडक्शन में, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द विजिटिंग फैकल्टी ऑफ द ICI. राइट, हम इंस्टीट्यूट की विजिटिंग फैकल्टी हैं. राइट, तो आप जरा चीजों को समझने की कोशिश करिए. अगर मैं आपको राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जनरल पर्सन क्या बोलेगा? अमाउंट पेड टू राम. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वी रिसीव्ड वन चेक फ्रॉम राम एंड द चेक गॉट डिसऑनर. तो आपको इस तरह से सोचना है. एक भाई साहब, अगर अपन मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बात बताना चाहूँ, एक भाई साहब कुत्ते को लेके मॉर्निंग वॉक पे घूम रहे थे. किसी ने पूछा, अरे भाई साहब ये गधे को किधर लेके जा रहे हो? तो आदमी बोला, अरे यार आपको दिखता नहीं कि गधा है कि कुत्ता है? बोलता, नहीं मैं तो कुत्ते से पूछ रहा हूँ करके. तो आपको इस तरह से मतलब आपको कुछ पूछा जा रहा है. अगर इंस्टीट्यूट आपसे इतना सिंपल चीज तो आपसे मैं अगर पूछ रहा हूँ, तो आपका थोड़ी ना मैं टाइम वेस्ट करने बैठा हूँ यहाँ पे करके. आपको एक एक लॉजिक को समझना है. व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ एंड सेकंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ. अगर आपको वो समझ में आ गया, आपका काम क्लियर हो जाएगा. आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एंड दिस इज योर कॉस्टिंग. सबसे पहले मैंने आपको दो बुक्स दी हुई है. एक मैंने आपको क्वेश्चन बुक दी हुई है, एक आपको क्वेश्चन बुक दी है और एक मैंने आपको आंसर बुक दी है. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, जो लिखने का प्रॉब्लम था, वो खत्म हो जाएगा. आपको एक आध दो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स लिखने हैं, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको प्रिंट करके दिए हुए. अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे लिख के भेजिए, इंटर कॉस्टिंग
मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, राइट। इंटर कॉस्टिंग लिख के आप मुझे व्हाट्सअप करिए 9820030925, 9820030925, 9820030925 आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और मैं आपको ये बुक दे देता हूँ। लेकिन ये बुक का, क्वेश्चन बुक एंड सॉल्यूशन बुक का होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये बुक रहेगा तो ही आप ये कर पाएंगे। आर यू गेटिंग ऑन नॉट फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड ऑन नॉट, परफेक्ट। तो आपके पास, आई होप कि आपके पास मेरा क्वेश्चन बुक और आंसर बुक है, आपके पास मेरा क्वेश्चन बुक और आंसर बुक दोनों है, तभी मैं आपको जाके ये इंटर कॉस्टिंग स्टार्ट कर पाऊंगा, राइट। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी टॉपिक को सीखने से पहले, कोई भी टॉपिक को सीखने से पहले हम लोग जो सीख रहे हैं तो उसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज अ प्रिपरेशन, सेकंड इज अ रिवीजन, एंड थर्ड इज हाउ टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। नाउ प्रिपरेशन पार्ट यू डिवाइड इन टू, दिस इज योर प्रिपरेशन पार्ट, एंड प्रिपरेशन पार्ट यू डिवाइड इन टू, व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ, आपका टॉपिक क्या है, एंड सेकंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ, आपका इसका इम्पोर्टेंस क्या है डे टू डे लाइफ के अंदर। व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ एंड सेकंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ। सपोज टाइमिंग यू फॉरगेट इट कर यू आर लर्निंग फॉर योर एग्जाम्स, आप अपने एग्जाम्स के लिए सीख रहे हैं वो थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाइए, बराबर। आप अपने एग्जाम्स के लिए सीख रहे हैं उसको आप भूल जाइए। आप सोचिए कि सपोज आपने अपना सी एग्जाम पास कर लिया, कैसा लग रहा है बोलिए, कैसा लग रहा है कमेंट करिए, कैसा लग रहा है। इमेजिन योर सेल्फ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैसा लग रहा है। क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि सीए होने के बाद आप जो भी आप आंसर करेंगे उस आंसर में ना कुछ दम रहेगा, बराबर। आप सोच समझ कर बात करेंगे, राइट। ऑडिट में सीखा है ना, एज पर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, हमको कुछ भी ऐसे डायरेक्टली आंसर नहीं करना है, हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसके बेस पर ही हम आंसर आपको करेंगे। तो इमेजिन योर सेल्फ के सपोज यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने कहा ठीक है आप सीए, कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लग रहा है। आपको मैंने बोला कि इमेजिन योर सेल्फ की यू आर सपोज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। तो कैसा लग रहा है आपको, है आपको अच्छा लग रहा है, सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लग रहा है करके, ना ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने सोचा कि चलो यार मैं सीए पास हो गया। सीए पास होने के बाद अभी आपको ऐसा लगता है कि चलो आपने डैड से बात किया कि डैड विल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, बराबर। सपोज योर, आपके डैड इज ए बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। अभी आप एक बोलते हैं कि एक फैक्ट्री आप मेरे लिए भी लगा दो, और फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन का पार्ट है ये आपका फैक्ट्री है, ये आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपका जो प्रोडक्शन पार्ट है ये आपका प्रोडक्शन पार्ट है, आपका प्रोडक्शन पार्ट कौन देखेगा, सपोज योर डैड, ये आपके डैड देखेंगे। और सेल्स पार्ट आपको क्या करना है, ये आपको देखना है आपका सेल्स पार्ट। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आपका कौन देखेगा, प्रोडक्शन डेट देखेंगे, और सेल्स आपका कौन देखेगा, सेल्स आपको देखना है। अब जरा एकदम फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए मेरी बात, आप इसके डेप्थ में, इसकी गहराई में डूबते चले जाइए, राइट। जैसे मॉम की नॉम होती है नानी, लाइफ के लिए जरूरी है पानी, ऐसे कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी, हम लोगों ने, आप मुझे बताइए आपने किसी भी प्रोफेसर का, दुनिया में इंडिया के किसी भी प्रोफेसर का नाम भी सुना है क्या, कि सोनू जैन के हिसाब से ये डेफिनेशन है, जैसे बोलते हैं ना एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, कभी आपने किसी भी इंडियन प्रोफेसर के नाम से डेफिनेशन भी नहीं सुना होगा, लेकिन दानी सर के नाम से दानी की कॉस्टिंग रजिस्टर्ड हो गया है। नाउ डीकेसी, दानी की कॉस्टिंग क्या हो गया है, दिस इज रजिस्टर्ड, वी हैव गॉट द ट्रेडमार्क, राइट। तो लोगों के पास तो डेफिनेशन नहीं है, अपने पास पूरा सब्जेक्ट है, तो आप समझिए कि प्रेशर कितना आ जाएगा करके आपको सिखाने का। आप आराम से सोचिए, टाइमिंग मैंने क्या बताया था आपको, प्रिपरेशन को दो में डिवाइड करिए, व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ, एंड सेकंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ।
अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर आपने इम्पोर्टेंस समझ लिया तो आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। आपको ये समझना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ। इसके लिए मैं अभी कॉस्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, एकदम आप बेसिक्स के डेप्थ में जाइए और डेप्थ में जाके एक एक पॉइंट को आप समझिए, देखिए आपको कितना मजा आने लगेगा, कितना इंटरेस्टिंग आपका ये हो जाएगा। तो सपोज योर फैक्ट्री सपोज इज इन से जामनगर गुजरात। आपका फैक्ट्री कहां पर है? जामनगर गुजरात। आपका सेल्स ऑफिस कहां पर है? सपोज योर सेल्स ऑफिस इज इन मुंबई। आपका सेल्स ऑफिस कहां पर है? मुंबई। एंड योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका फैक्ट्री कहां पर है? दिस इज योर गुजरात, जामनगर गुजरात। आपका फैक्ट्री है जामनगर गुजरात के अंदर, आपका सेल्स ऑफिस है मुंबई के अंदर। ओके, और आपने तय किया है डैडी के साथ, आपने बात किया कि डैडी आप क्या देखेंगे, आपको प्रोडक्शन पार्ट देखना है और मुझे सेल्स पार्ट देखना है, बराबर। तो फैक्ट्री कहाँ पर है? गुजरात में है। और आपका सेल्स ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में है। आपका सेल्स ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई है। और आपका फैक्ट्री कहाँ पर है? गुजरात में है। ये गुजरात में आपका फैक्ट्री है। अब जरा इसको अपन इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक कस्टमर आपके पास आता है, एक कस्टमर आपके पास आता है, कहाँ पे आता है? आपके मुंबई ऑफिस में आता है। मुंबई ऑफिस में आपके पास एक ये आपका कस्टमर आता है, आपका कस्टमर आता है मुंबई ऑफिस में और आपको आके बोलता है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1। आपके पास एक कस्टमर आया, आपके पास एक कस्टमर आया, कहाँ पर आया? मुंबई ऑफिस में, और आपको बोलता है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1। आप आराम से समझिए, आपका मुंबई में ऑफिस है, सेल्स ऑफिस है, गुजरात में आपका फैक्ट्री है, आप मुंबई में बैठते हैं, मुंबई में आपके पास एक कस्टमर आता है और कस्टमर आके आपसे बोलता है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1। मैं आपको 1000 यूनिट्स आपसे खरीदना चाहता हूँ, 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1। नाउ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट? इसका प्राइस क्या है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? अगर आप 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स हमको खरीदना है, आप मुझे बताइए व्हाट इज। अच्छा, आपने आपने इस तरह का प्रोडक्ट कभी भी बनाया नहीं, आपने इस टाइप का प्रोडक्ट कभी भी बनाया नहीं, आप उसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? अब आप डूब जाइए एकदम, प्लीज कम कम एंड टेक द डेप्थ नॉलेज ऑफ कॉस्टिंग। आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। आपको फील होना चाहिए कि यू आर इन दानी की कॉस्टिंग, राइट। ये जो ट्रेडमार्क किया गया है, जो बताया गया है, आपको एक फील होना चाहिए कि यार ये जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है वो दानी सर ने बनाया है, मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं जो अनुभव दानी सर का है उसको मैं अपने अंदर उतार रहा हूँ करके ना, वो आपको एक फीलिंग रखना है। वो आपको क्या बोलता है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि वी वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1 और कस्टमर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? सिचुएशन ये है कि पहले हमने कभी, आज तक हमने कभी ऐसा प्रोडक्ट बनाया नहीं। क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि हमने आज तक ऐसा कभी प्रोडक्ट बनाया नहीं। अब हम कस्टमर को कैसे बताएंगे? हम कस्टमर को ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं भाई पहले मैं प्रोडक्शन कर लेता हूँ, कस्टमर को ये तो नहीं बोल सकते भाई पहले मैं प्रोडक्शन कर लेता हूँ, राइट, और जो भी प्राइस होगा मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो कस्टमर वॉन्ट परचेज, आपसे कस्टमर खरीदेगा नहीं। अगर आप कस्टमर को बोलते हो, अगर आप कस्टमर को बोलते हो करके ना कि भाई मैं पहले बना लेता हूँ और बाद में आपको बताऊंगा व्हाट इज द प्राइस, तो कस्टमर खरीदेगा नहीं। कस्टमर क्या करेगा? वो खरीदेगा बाद में, लेकिन प्राइस आपको पहले बताना पड़ेगा, बराबर। आप किसी भी, आपने सपोज CA का क्लासेस ज्वाइन किया है, राइट,
तो क्लासेस के करने का ये तो मतलब नहीं है कि आपको क्लासेस वाला बोलता है कि नहीं भाई आपका लाइक यू नो दैट इतना फीस होगा और आप पहले पढ़ लो और बाद में हम आपको डिसाइड कर लेंगे। नहीं, वो क्लासेस बाद में आपको कराएगा, लेकिन प्राइस आपको कैसे पहले बता देता है। कैसे, आप एक शुगर कैन जूस वाले के पास जाते, आप उसको बोलते हैं भैया एक गिलास जूस चाहिए, वो जूस बाद में निकालेगा लेकिन आपको प्राइस पहले बता देता है। कैसे, ये कंसेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो आपको मजा आएगा सब्जेक्ट को सीखने का। आर यू फॉलोइंग नोट? सो कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, आपको कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, अगेन मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री कहाँ पर है, गुजरात में है। मेरा सेल्स ऑफिस है, सेल्स ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में। एक कस्टमर मेरे पास आया और कस्टमर आके मेरे से पूछता है कि सर आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एस वन। मैं उससे ये नहीं बोल सकता कि भाई पहले प्रोडक्शन करूंगा बाद में प्राइस करूंगा, नहीं, प्राइस मुझे पहले ही बताना पड़ेगा, राइट? अगर मैंने प्राइस ज्यादा बोला, अगर मैंने प्राइस ज्यादा बोला तो कस्टमर वॉन्ट परचेज, बराबर। अगर मैंने प्राइस कम बोला तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। अगर मैंने प्राइस ज्यादा बोला मुझे क्या हो जाएगा, अगर मैंने प्राइस ज्यादा बोला मुझे क्या हो जाएगा कि कस्टमर खरीद गए नहीं, और अगर मैंने बोला कि प्राइस कम बने बोल दिया तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो एग्जैक्टली मैं कैसे बताऊं, व्हाट इज द सिचुएशन? द सिचुएशन इज ओनली वन कि इवन द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, इवन द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कस्टमर, इवन द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कस्टमर, बट यू हैव टू गिव द कॉस्ट बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन। आपको सारे चैप्टर्स अप टू सीए फाइनल, सीमा, कहीं पे भी आप ICWA, CS, कहीं पे भी जाइए, बीकॉम, एक ही कंसेप्ट है कि इवन द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, इवन द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कस्टमर, बट यू हैव टू गिव द कॉस्ट बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन। तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोग कैसे बताएंगे? ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। व्हाट इज द एग्जाम्पल? योर फैक्ट्री इज इन जामनगर, गुजरात। तो ही आपको मेरे सारे चैप्टर्स इसी एग्जाम्पल के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। ये मेरा बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग का मेरा लेक्चर चल रहा है। आर यू फॉलोइंग नॉट फ्रेंड्स? बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग का ये मेरा लेक्चर चल रहा है आपको। वेर इज योर फैक्ट्री? योर फैक्ट्री इन जामनगर, गुजरात। रिपीट करिए, वेर इज योर फैक्ट्री? योर फैक्ट्री इन जामनगर, गुजरात। यू आर सिटिंग इन मुंबई, योर सेल्स ऑफिस इज इन मुंबई, योर सेल्स ऑफिस इज इन मुंबई। कस्टमर आता है आपके पास, मुंबई ऑफिस में कस्टमर आता है और आपसे पूछता है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आप उसको कैसे बताएंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा? एस्टीमेट। आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? दिस इज योर एस्टीमेट, आपको एस्टीमेट करना पड़ेगा, बराबर। क्यों? कि अगर आपने प्राइस ज्यादा बोला, अगर आपने प्राइस ज्यादा बोला कस्टमर वॉन्ट परचेज, अगर आपने प्राइस कम बोला आपको क्या हो जाएगा, लॉस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और उसके लिए फ्रेंड्स हमको बनाना पड़ेगा कॉस्ट शीट। उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? कॉस्ट शीट। हम लोग क्या सीख रहे हैं फ्रेंड्स? दिस इज ऑल द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दाने की कॉस्टिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दाने की कॉस्टिंग, राइट? ये आपका सब क्या हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट। क्या सीख रहे हैं हम लोग? एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट करने के लिए हमको कॉस्ट शीट बनाना है। कॉस्ट शीट मीन्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ दाने की कॉस्टिंग, डीकेसी। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सबसे पहला इसके लिए मैंने इसको बेसिक कंसेप्ट को मैंने नाम दिया है चैप्टर जीरो। मैं आपको जीरो से लेके चल रहा हूं। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपकी इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी जो नॉलेज है, इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी जो नॉलेज है वो क्या है, जीरो। और मुझे जीरो से, मुझे आपको जीरो से बनाना है हीरो।
क्योंकि आपको कॉस्टिंग एफएम फाइनल वे भी मुझे सिखाना है, तो मुझे आपको क्या बनाना है, आपको मुझे बनाना है जीरो से हीरो, हीरो बना के, हीरो बना के, सीए बना के आपको बाहर निकालना है। लाखों स्टूडेंट को पढ़ा दिया अपनी लाइफ में, अब आप लोगों का नंबर है। पहले जब हम पढ़ाते थे तभी 50 मार्क्स का एफएम हुआ करता था, इंटर में 50 का कॉस्टिंग हुआ करता था, अभी 100 मार्क का खाली कॉस्टिंग है और 60 का एफएम भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। दो चीजें मैं आपको सिखाता हूँ, तो यहाँ पे अभी अपन बात कर रहे हैं 100 मार्क्स का कॉस्टिंग, तो कॉस्ट शीट है। ओके, तो जीरो जीरो में सबसे पहले आप पॉइंट वन, सबसे पहले 0.1 पे आप देख लीजिए, पेज नंबर 0.1, बेसिक कंसेप्ट चैप्टर जीरो। जीरो से आपको क्या बनाना है फ्रेंड्स, बोलो, जीरो से आपको क्या बनाना है, हीरो। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बराबर क्या बोल रहा है, अंडरलाइन करिए, मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे बेस्ट पार्ट अपना ये हो जाएगा कि बच्चों की मुझे काफी ये कंप्लेंट आती थी कि सर हम लोग लिखें कि हम लोग आपको सुने, तो आप आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा लिखा है आपके पास दे रखा है, आपको सिर्फ मुझे सुनना है। कैसे सुनना है आप जरा देखिए, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और उसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट। अगर मेरा 100 रुपये आ रहा है और मैंने 100 यूनिट्स बनाए तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगा, मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा ₹1। वॉट इज ए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई यूनिट्स, आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट। सही आंसर होगा। नाउ टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है आपका, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक आपका होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक डायरेक्ट कॉस्ट होगा आपका और एक आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, एक बार मैं स्टार्ट करता हूं आपको, क्योंकि हमको उसको कस्टमर को रिप्लाई करना है। वेर इज योर फैक्ट्री, योर फैक्ट्री इज इन जामनगर गुजरात, यू आर सिटिंग इन मुंबई। एक कस्टमर आया आपके पास और कस्टमर आके आपसे पूछता है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1, मुझे 1000 यूनिट खरीदना है, आप उसको कैसे बताएंगे, उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट शीट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यू डिवाइड इन टू, वन इज ए डायरेक्ट कॉस्ट एंड वन इज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट। व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, नाउ वेरी सिंपल डेफिनेशन, वेरी सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स एनी एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सब कुछ आपको दिया हुआ है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अंडरलाइन लिखना है या छोटा मोटा कोई पॉइंट है तो वो आपको लिखना है। ओके, मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, एनी एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एनी एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। एनी एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज नोन एज डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्शन है सपोज से 100 यूनिट्स, आपका कॉस्ट भी क्या आएगा, आपका कॉस्ट आएगा ₹100। अगर आपका कॉस्ट 100 यूनिट्स है 100, अगर आपका 101 है आपका क्या आएगा 101, अगर आपका 50 है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। आपको एक एक टर्म का मैं मीनिंग समझाता हूँ, राइट, ये क्या है, क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा है दैट इज वॉट, दैट इज ए बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। आर यू फॉलोइंग योर नोट्स, प्रोडक्शन प्रोडक्शन आपका 100 है तो कॉस्ट आपका, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्टली मतलब सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज। इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन बट नॉट डायरेक्टली। इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन्स एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन बट नॉट डायरेक्टली इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सब कुछ आपको लिखा हुआ दे रखा है, ये आपका कॉस्ट का चार्ट, इसके तीन पार्ट, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दे ही रखा है।
फर्स्ट मटेरियल, सेकंड लेबर और इसको क्या बोलेंगे वेजेस, थर्ड एक्सपेंस। मटेरियल डिवाइड इन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। कॉस्ट, कॉस्ट में तीन ही होगा, या तो मटेरियल होगा या लेबर, और इसको वेजेस भी बोलते हैं, और उसके अलावा कुछ भी बचा तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सपेंस एंड नॉट ओवरहेड। एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करना, नॉट ओवरहेड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड ओवरहेड। तो मटेरियल लेबर एक्सपेंस, मटेरियल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सही है, सुनो। डायरेक्ट मटेरियल मींस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर मैं 100 शर्ट्स बनाऊंगा, सपोज ये टी शर्ट है, एक टी शर्ट को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगता है, एक को बनाने में 1 मीटर लगता है, 100 बनाऊंगा तो 100 मीटर लगेंगे, 101 बनाऊंगा तो 101 लगेंगे, 99 बनाऊंगा तो 99 लगेंगे, 50 बनाऊंगा तो 50 डायरेक्टली, नहीं बनाऊंगा तो नहीं लगेगा। दैट इज वॉट इज द डायरेक्ट मटेरियल विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इफ द प्रोडक्शन इज देयर, कॉस्ट इज देयर, प्रोडक्शन इज देयर, कॉस्ट इज देयर, इफ देयर इज नो प्रोडक्शन देयर इज नो कॉस्ट। सही है, सुनो। समटाइम्स व्हाट हैपन, आपने देखा होगा कि जो मशीन में मैं ये शर्ट बनाता हूँ, जो मशीन में मैं ये शर्ट बनाता हूँ, उस मशीन में मुझे डालने के लिए ऑयल भी चाहिए, तभी वो मशीन चलती है। बट ऑयल इज रिलेटेड टू मशीन, मशीन चलेगी तभी प्रोडक्शन होगा, बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस। ऐसा नहीं कि एक शर्ट बनाएंगे तो एक बोतल ऑयल लगेगा, 100 शर्ट बनाएंगे तो 100 नहीं, ऑयल कभी भी लग सकता है, कभी भी नहीं। तो उसको हम क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में है आपका डायरेक्ट लेबर, सपोज आपका टेलर मास्टर है, वो बोलता है कि भाई मैं तो एक शर्ट का 10 रुपीज लूंगा, तो अगर उसने एक शर्ट बनाई तो 10 रुपीज, दो शर्ट बनाई तो 20 रुपीज, तीन शर्ट बनाई तो 30 रुपीज, और 0 शर्ट बनाई तो 0 कॉस्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। इफ इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, इफ इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो डायरेक्ट हो जाएगा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है बट नॉट डायरेक्टली तो आपका ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ये, इसका मतलब अगर आपने किसी मंथ में, अगर आपने किसी मंथ में 0 शर्ट्स बनाए, आपने 0 टी शर्ट बनाए, तो आपको कॉस्ट क्या आएगा, आपको कॉस्ट आएगा 0 रुपीज, आपको कॉस्ट क्या आएगा 0 रुपीज। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन फ्रेंड्स, इन योर फैक्ट्री, इन योर फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर आपको साफ सफाई करने के लिए ना एक वर्कर की जरूरत रहती है। फैक्ट्री के अंदर आपको साफ सफाई करने के लिए ना एक वर्कर की जरूरत रहती है, या टेलर मास्टर अगर शर्ट को बनाएगा तो रखने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, उस सब के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे लेबर तो है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो है, बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वो उसको हम ये नहीं बोल सकते भाई ए महीने में शर्ट नहीं बना तो तेरे को सैलरी नहीं मिलेगा, नहीं, उसको आपको सैलरी देना पड़ेगा। तो इसके लिए ये आपका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टेल मी एनी एग्जाम्पल, आप मुझे बताइए कोई भी ऐसा एग्जाम्पल, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप एनी एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप मुझे बताइए विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन अदर देन मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल एंड लेबर तो अपन ने कवर कर लिया, मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल एंड लेबर को छोड़ के, मटेरियल एंड लेबर को छोड़ के आप मुझे बताइए कोई भी ऐसा एग्जाम्पल विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मैंने आपको कंडीशन क्या बताया, अगर प्रोडक्शन होगा 100 तो कॉस्ट होगा 100, 101 तो 101, 99 तो 99, 50 तो 50, 0 टू 0। यू टेल मी एनी एग्जाम्पल, यू प्लीज लिसन केयरफुली, यू टेल मी एनी एग्जाम्पल विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन।
यू टेल मी एनी एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप मुझे बताइए विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मेटेरियल और लेबर को छोड़ के। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए पहला एग्जाम्पल आपका आता है फ्रेंड्स रॉयल्टी। रॉयल्टी इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। रॉयल्टी इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। देखो सपोज हम लोग हैं, हम लोगों को इंस्टीट्यूट बोलता है बुक्स लिखने के लिए, हम उनके लिए बुक्स लिखते हैं, लेकिन दे आर पेइंग अस रॉयल्टी एट द टाइम ऑफ सेल्स, इसका मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा। अगर प्रोडक्शन के टाइम पे अगर कुछ एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन के टाइम पे अगर आपका कोई एक्सपेंसेस है, वो आपको बोलते हैं कि 100 बुक्स प्रिंट करेंगे और उसका 100 रुपीज आएगा, यू कैन से डायरेक्ट कॉस्ट। बट सेल्स के टाइम पे देगा तो इज नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंस। आर यू फॉलोइंग नॉट? सेकेंड, पहले हम अभी उसको बोलते हैं जीएसटी, राइट? पहले इसको बोलते थे एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर पेबल है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप 100 यूनिट्स बनाएंगे तो 100 रुपीज आपको देना है, 10 बनाएंगे तो 101 देना है, 102 बनाएंगे तो 102 देना है, राइट? और सपोज एनी अदर एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मेरे पास मशीन है, मेरे पास ऑर्डर है, मेरे पास 1000 का ऑर्डर आया S1 का, बराबर, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं है, किसी दूसरे पर्सन के पास मशीन है। वो बंदा बोलता है कि मैं आपको वन रुपी पर प्रोडक्ट आपसे चार्ज करूंगा। मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा बोलो? 1 रुपी पर प्रोडक्ट। मीन्स अगर आप एक शर्ट बनाएंगे तो आपको मुझे को 1 रुपया देना है भाड़े का, इसका मतलब दिस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। सपोज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंस। आपने इलेक्ट्रिसिटी का लेके रखा है मतलब कनेक्शन, चाहे आप प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन मत करो, आपको मिनिमम अमाउंट तो देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? अपने को क्या देखना है कि इफ प्रोडक्शन इज देयर कॉस्ट इज देयर, प्रोडक्शन इज नॉट देयर कॉस्ट इज देयर। तो ये तीनों से मिलके, तो मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक स्टेटमेंट जैसा रहेगा विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट, एक टोटल कॉस्ट जैसा रहेगा और एक यूनिट कॉस्ट। सब कुछ आपको सॉल्यूशन बुक में प्रिंटेड फॉर्म में दे रखा है, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मैंने इसमें काफी मेहनत करके आपका पूरा सॉल्यूशन बुक भी रेडी किया। ओके, सॉल्यूशन बुक आप प्लीज टेक द मैक्सिमम एडवांटेज। व्हाट इज कॉस्ट शीट? इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट यू डिवाइड इन मटेरियल लेबर एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों से मिलके आपका बनेगा प्राइम कॉस्ट। तीनों से मिलके आपका क्या बनेगा फ्रेंड्स? इट मींस दिस इज योर कॉस्ट, कॉस्ट डिवाइड इन 3, मटेरियल लेबर एक्सपेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों से मिलके आपका बनेगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आपके पास बैलेंस बचा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनको हम बोलते हैं ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनको टोटल को हम क्या बोलते हैं? इसके टोटल को हम बोलेंगे बोलो क्या? ओवरहेड। एंड क्योंकि आपके सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए कॉस्ट शीट है, आपके सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए कॉस्ट शीट है, इसके लिए हम पूरा जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारा बिजनेस है, उसको तीन में डिवाइड करेंगे। एक आपका रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा आपका रहेगा एडमिन ओवरहेड, और थर्ड आपका रहेगा सेलिंग ओवरहेड। यस नो फ्रेंड्स, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट डिवाइड इन टू मटेरियल लेबर एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों से प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों से मिलके ओवरहेड, ओवरहेड डिवाइड इन 3, एक फैक्ट्री ओवरहेड,
एक एडमिन ओवरहेड और एक सेलिंग ओवरहेड। ओके, तो अब मैं आपको पूरा फॉर्मेट पे लेके चलता हूं। इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट राइट। दिस कॉस्ट शीट को डिवाइड इन टू, सबसे पहले आपका आएगा फ्रेंड्स प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का भी क्या मीनिंग होता है मैं आपको बताता हूं। एंड दिस इज योर नोट नंबर वन, टोटल एंड पर यूनिट। सबसे पहले आपका आएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का भी क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका आएगा डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, नोट नंबर टू, डायरेक्ट लेबर नोट नंबर थ्री, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस नोट नंबर फोर। सब कुछ आपको दे रखा है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। दिस इज योर प्राइम कॉस्ट, दिस 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 दिस। अगर इनको प्रोडक्शन से हम डिवाइड कर देंगे, ये जो प्रोडक्शन आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज पर यूनिट। ये हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, बोलो पर यूनिट। परफेक्टली क्लियर होना। टोटल इट मींस दिस इज ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए नोट नंबर वन, उसका क्या मीनिंग होता है अलग से बताता हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस नोट नंबर टू, नोट नंबर थ्री, नोट नंबर फोर, मिलके क्या हो जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। सही आंसर फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आएगा दिस इज योर सेकेंड, ये आपका पार्ट वन हो गया फ्रेंड्स। ओके, अब आप आ जाइए पार्ट टू इज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आपका क्या आएगा फ्रेंड्स, बोलो इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं अपन। इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये आपका क्या आ जाएगा, बोलो इनडायरेक्ट कॉस्ट। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको दे रखा है, आप सिर्फ यहां पे कॉन्सेंट्रेट करिए। पर यूनिट मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों से मिलके आपका क्या बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद अब आपका क्या आएगा फ्रेंड्स, बोलो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कभी भी अगर आपको कोई पूछता है जादू, कभी भी अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड मींस योर टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। What do you mean by overheads? Overheads means total of indirect material, indirect labor and indirect expense. तीनों के total से हमको क्या बनेगा overheads. And that overhead you divide in three. एक factory overhead है, एक admin overhead है और तीसरा आपका selling overhead. एक factory overhead, एक admin overhead और एक selling overhead. सबसे पहले आपका आएगा this is your factory ओवरहेड। कोई कोई इसको वर्क्स ओवरहेड भी बोलता है, वर्क्स ओवरहेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड। दिस इज योर नोट नंबर फाइव, बराबर। प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो इसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट यहां तक आ गया था अपना, प्राइम कॉस्ट लास्ट पेज पे अपन ने निकाला था प्राइम कॉस्ट में अगर हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, आपका क्या आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। आपका क्या आएगा बोलो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऐड ओपनिंग
WIP लेस क्लोजिंग WIP। कभी कभी क्या रहता है ना कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने इनपुट डाला और प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, कभी कभी मशीन के अंदर भी रह जाता है। मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस के टाइम पे एकदम डिटेल में। तो ओपनिंग WIP अगर कुछ है तो उसको ऐड कर दो, क्लोजिंग WIP है उसको माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका क्या आ जाएगा, दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क्स कॉस्ट। ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट एंड वर्क्स कॉस्ट, सही है सुनो फ्रेंड्स। तो आपका क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये आपका प्राइम कॉस्ट था, उसमें अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड नोट नंबर 5 को ऐड कर दोगे आपको क्या आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, ये आपका क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज, ये फॉर्मेट कैसे बना, क्यों बना, लोग बोलते हैं दाने की कॉस्टिंग, तो आपको ऐसा लगना चाहिए, ऐसा फीलिंग होना चाहिए, नहीं तो आप कहोगे ना अरे जो मॉड्यूल में लिखा है वही तो सर बोलते हैं, फिर दाने की कॉस्टिंग क्या हो गया इसमें, आपको एक एक चीज ऐसी लगनी चाहिए, नहीं यार जो दाने सर बोल रहे वही कॉस्टिंग है करके, ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, दूसरा आपका नेक्स्ट आएगा इज ए एडमिन और ऑफिस ओवरहेड्स। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको दे रखा है, लिखा हुआ सब कुछ आपको दे रखा है, दिस इज एडमिन ओवरहेड एंड दिस इज योर रेफर नोट नंबर 6 एड, ओके ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके। अब आप बोलोगे सर फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, एनी एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जहां पे आपका प्रोडक्ट बनेगा उस प्लेस को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होंगे, एनी एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फैक्ट्री इज नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री सुपरवाइजर का सैलरी है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, आर यू गेटिंग, ऑल द एक्सपेंसेज विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फैक्ट्री वो कहां पे चले जाएंगे, फैक्ट्री में। ऑल द एक्सपेंसेज विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एडमिन ऑफिस, एडमिन ऑफिस भी तो चाहिए ना, प्रोडक्ट तो बना दिया आपने जामनगर में बन गया, बिकेगा कहां, डिसीजंस कौन लेगा, उसके लिए आपको एक एडमिन ऑफिस। तो एनी एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एडमिन आपको एडमिन में लेना है, ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेज है, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का इंश्योरेंस है, ऑफिस स्टाफ का सैलरी है, वो सब कुछ किस में आ जाएगा, इज ए एडमिन ओवरहेड, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सपोज फ्रेंड्स आपका सपोज आपका प्रोडक्शन था 1000 यूनिट का, आपका 1000 यूनिट का प्रोडक्शन था और 10,000 उसका कॉस्ट आया, सपोज ये आपका 10,000 कॉस्ट आया और सपोज आपका प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ आपका सपोज 1000 यूनिट, इसका मतलब आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा, 10, बिकॉज 10,000 डिवाइडेड बाई 1000 एंड दिस कम्स टू 10, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, 10,000 आपका टोटल है, 10,000 डिवाइडेड 1000 आपका क्या आएगा, 10 रुपीज पर यूनिट। अब कभी कभी क्या होता है, कस्टमर बोलता है नहीं वी वॉन्टेड टू परचेज ओनली 8,000, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने बनाया कितना, हमने बनाया 1000, कस्टमर क्या बोलता है, आई वॉन्टेड टू परचेज ओनली 800, हमने बनाया कितना 1000, कस्टमर बोलता है मैं खरीदूंगा 800, तो बाकी का 200 है, 200 को हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो अब अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें एड ओपनिंग फिनिश गुड्स, सपोज नील है अपना, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, आपका क्लोजिंग फिनिश गुड्स 800 बिक गया तो 200 आपका क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, 200 एक का 10 रुपीज है कॉस्ट, इट मीन्स 2000 और ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट मीन्स 8000 एंड दिस इज 10 रुपीज पर यूनिट, क्योंकि 10 रुपीज पर यूनिट ही आपका कॉस्ट था, जो कॉस्ट बिक रहा है
800 यूनिट बिक रही है, 200 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, आपका क्या हो जाएगा 8000। सही है सोनल, ये आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके ऊपर क्योंकि इस गुड्स को सोल्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स बोलो। आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स कुछ रहेगा तो ऐड कर देंगे, यहाँ पे कुछ है नहीं। क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सोल्ड। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग के पॉइंट में, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट इट ओनली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर होती है, नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। P&L अकाउंट क्या होता है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ यू वॉन्टेड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, उसके लिए आप बना रहे हैं, लेकिन कॉस्ट शीट आप उसके लिए नहीं बना रहे। कॉस्ट शीट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर है, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। मैं आपको बताऊंगा एक टॉपिक आएगा रिकंसिलेशन कि दोनों में डिफरेंस क्यों होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में और कॉस्टिंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है, राइट। दोनों का डिफरेंस ये था फ्रेंड्स। अब आपका नेक्स्ट आता है, आपको दिस इज कंटिन्यू, ये आपका आता है यहां तक आ गए हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक हम लोग आ गए, 8,010 rupees पर यूनिट। देन यू एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एंड दिस यू रिफर नोट नंबर 7। जो भी इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस आपके रहेंगे, तो दिस यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एड प्रॉफिट या फिर लॉस, ये आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इजी सेल्स। सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा सेल्स। पहले आप मुझे बताइए कि ये फॉर्मेट आपको पूरा क्लियर है कि नहीं। व्हाट इज कॉस्ट शीट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकाला अपन ने, कॉस्ट कॉस्ट डिवाइड इंटू मेटेरियल लेबर एक्सपेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस से मिलके क्या बनेगा प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस तीनों से मिलके क्या बनेगा ओवरहेड्स, ओवरहेड्स डिवाइड इन थ्री फैक्ट्री एडमिन एंड सेलिंग। फिर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, प्रोडक्शन प्रोडक्शन डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों का प्राइम कॉस्ट, फिर उसके बाद आपका बचेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन आपको मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एड ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट इसको बोल सकते हैं, एडमिन ओवरहेड इसका मतलब आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देन एड ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर आप सेलिंग एक्सपेंसेस एड कर देंगे तो आपका क्या आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज योर सेल्स पार्ट। इज दिस क्लियर ऑन परफेक्ट। अब अपन वन बाई वन ले लेते राइट, सो दिस इज योर, नाउ आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने दे रखा है नोट, दिस इज योर नोट नंबर वन। नोट नंबर वन किसको बोलेंगे फ्रेंड्स, प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन हमेशा किसका रहेगा फिनिश्ड गुड्स, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, इट मीन्स सेल्स ये आपकी यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मान लो 10,000 यूनिट आपने सेल कर दिया, 2,000 आपके पास ऑलरेडी हैं अभी, इसका मतलब आपने प्रोडक्शन कितना किया होगा 12,000, 10,000 प्लस 2,000 और उसमें से 4,000 आपके पास ऑलरेडी थी पहले से, इसका मतलब आपको प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा 8,000 यूनिट्स। क्या करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज योर सेल्स, सेल्स सेल्स के कितने यूनिट्स है 10,000
आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 2000 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 4000, बाकी का जो बचा उसको हम क्या बोलेंगे, बाकी का जो बचा उसको हम क्या बोलेंगे, बाकी का जो बचा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन। इसका मतलब आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखना है। नोट नंबर वन, नोट नंबर वन मीन्स सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू प्रोडक्शन। आपको बार 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 ये चीज पूरी कॉस्टिंग में आपको काम आएगी। ये व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स योर सेल्स प्लस योर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सही है सुनो फ्रेंड्स, योर सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू योर प्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन। सही है सुनो फ्रेंड्स, देन यू गो, दिस इज योर नोट नंबर टू, दिस इज नोट नंबर टू एंड योर डायरेक्ट डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट। नोट नंबर टू डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट कैसे लेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट यू टेक ओपनिंग स्टॉक, अगर आपके पास कुछ पड़ा है उसको आप ले लीजिए। देन यू टेक योर परचेजेस, वो आप उसमें ऐड कर दीजिए। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस मींस अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस इनकर किया है, बराबर। अब देखो ये कॉस्ट शीट का क्या इंपॉर्टेंस है, पहला आइटम इसमें मटेरियल है, आपका टॉपिक नंबर वन मटेरियल है। दूसरा आइटम लेबर है, इसका दूसरा टॉपिक का नाम है लेबर। तीसरा ओवरहेड है, आपको तीसरा ओवरहेड। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस मींस परचेज करने से लेके परचेज टू स्टोर्स, आपने जो भी एक्सपेंसेस इनकर किया है, आपने मटेरियल परचेज किया, आपने फ्रेट पे किया है, आपने इंश्योरेंस पे किया है, आपने कोई टैक्सेस पे किए, आपने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे किया, ये सब आएगा, मैं पूछूंगा आपसे करके ना, वो आपका कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स परचेज से लेके स्टोर्स तक लाने में जो भी आपने खर्चा किया है वो सब मटेरियल में ऐड हो जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर आपने कुछ परचेज रिटर्न किया है तो माइनस हो जाएगा, परचेज रिटर्न्स वो आपका माइनस हो जाएगा। और अगर आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा है, अगर आपका कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बचा है वो निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल एंड कंज्यूम्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या करेंगे फ्रेंड्स बोलो, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस, उसके बाद ए डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज रिटर्न्स, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। दिस इज योर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बोलो, ये आपका सेम हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, जो आपके पास मटेरियल था आपने कितना खरीदा, अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए हैं परचेज टू स्टोर्स में, फ्रेट, इंश्योरेंस, टैक्सेज, ऑक्ट्रॉय, अलग से टॉपिक है मटेरियल, मैं आपको एकदम डिटेल में सिखाऊंगा व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल। आर यू फॉलोइंग माय नोट, परफेक्टली क्लियर। उसके बाद आप आ जाइए फ्रेंड्स, आपका आता है नोट नंबर थ्री, दिस इज नोट नंबर थ्री, इसको बोलेंगे फ्रेंड्स डायरेक्ट लेबर और वेजेस, डायरेक्ट लेबर और वेजेस, इट मींस कितना आपने पेड किया है, कितना आपका पेएबल है आउटस्टैंडिंग, और अगर आपने प्रीपेड कर रखा है वो आपका माइनस हो जाएगा, बाकी का जो बचेगा दैट इज योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सपोज आपने पेड किया है प्लस अभी भी देना बाकी है वो ऐड हो जाएगा, और अगर आपने एडवांस पे कर दिया तो वो माइनस हो जाएगा, बाकी की को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस, इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स बोलो, डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। सही है सर, परफेक्टली क्लियर, एम आई गोइंग फास्ट, बताइए बराबर। आपने क्या लेबर को, जो भी वर्कर्स आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे उनको आपने क्या पे किया है,
और क्या आप अगर कुछ बाकी है देने का, आपने सपोज 10,000 आपने पे कर दिया, 1,000 रुपया आपका देना बाकी है, तो आपका लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा, 11,000, 2,000 आपने अगर इसमें एडवांस पे किया है, आपका लेबर क्या हो जाएगा, 9,000 रुपीज। सही है सर, यू आर ए प्रोफेशनल स्टूडेंट फ्रेंड्स, आपको मैच करना पड़ेगा मेरे कंसेप्ट के साथ। आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं वो आप बताइए। सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर। अब आप आ जाइए, ये आपका हो गया डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट पेज पे 0.3 पेज पे आप आ जाइए फ्रेंड्स, नोट नंबर 4, दिस इज योर नोट नंबर 4 इज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस, ये कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कंफ्यूज नहीं होना। वो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो मटेरियल को लाने के लिए थे, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कौन कौन से बोलो, रॉयल्टी, हायर चार्जेस, जीएसटी, पहले इसको क्या बोलते थे, एक्साइज ड्यूटी, ये सब। ओके, तो अगेन पेड, देन पेएबल, देन माइनस प्रीपेड, आपने कितना पेड किया है वो आपका आ जाएगा, कितना आपका पेएबल है वो आपका आ जाएगा, और कितना प्रीपेड है वो आ जाएगा, और बाकी का आपका जो बचेगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद फ्रेंड्स आप आ जाइए योर नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 इसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और इसको बोलेंगे वर्क्स ओवरहेड्स। इसको क्या बोलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड। मींस एनी एक्सपेंस व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फैक्ट्री, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री के टैक्सेस हैं, सुपरवाइजर सैलरी, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस रहेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो अगेन पेड जो आपने पे किया है, देन पेएबल जो आपका आउटस्टैंडिंग है, माइनस प्रीपेड, और ये आपका, और कभी कभी क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ स्क्रैप सेल्स आता है, स्क्रैप सेल्स आएगा तो उसको आप माइनस कर दीजिए, बाकी का जो बचेगा वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड या फिर वर्क्स ओवरहेड हो जाएगा। मतलब आपने जो पे किया है, पेड देन पेएबल लेस प्रीपेड, आपका स्क्रैप सेल्स माइनस कर दीजिए, फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड आपका हो जाएगा। सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर में। उसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स दिस इज योर नोट नंबर 6। नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 इज ए आपका एडमिन, एडमिन और ऑफिस, एडमिन और ऑफिस ओवरहेड्स, आपका एडमिन और ऑफिस ओवरहेड, पेड अगेन पेएबल और माइनस प्रीपेड, ये जो बचेगा वो आपका एडमिन, एडमिन में वापस, एडमिन मीन्स ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस का रेंट, ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस स्टाफ सैलरीज, ऑफिस का टैक्सेस, ऑफिस डेप्रिसिएशन, सब कुछ मिला के पेड पेएबल प्रीपेड आप करेंगे, लास्ट में जो बचेगा। सिमिलरली आपका नोट नंबर 7 एंड दिस इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, पेड आपने कितना किया है, आपका पेएबल कितना है, और प्रीपेड माइनस कर दो बाकी का जो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स सेल्स से रिलेटेड जो भी आपके खर्चे हुए, कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी आपके खर्चे हुए वो आपका कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स, इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस।
ये आपको पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं वो आप मुझे बताइए। अब मैं आपको लेके चलता हूं, आई रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज कॉस शीट। आप आ जाइए यहाँ पे, व्हाट इज कॉस शीट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जरा ध्यान दीजिए, आप एकदम प्रॉपरली आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से आप जरा ये कंसेप्ट को मेरे को समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला था आपको कि योर फैक्ट्री इज इन जामनगर गुजरात। आपका फैक्ट्री कहां पर है बोलिए? आपका फैक्ट्री है जामनगर गुजरात के अंदर। योर सेल्स ऑफिस इज इन मुंबई। और एक कस्टमर आता है आपके पास और वो कस्टमर बोलता है, ये आपका कस्टमर आया और वो बोलता है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1। वो क्या बोलता है कि मुझे 1000 यूनिट खरीदना है, किसका? S1 का। आप उसको कैसे बताएंगे, आप उसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आप उसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपने प्राइस ज्यादा बोला, अगर आपने प्राइस ज्यादा बोला तो कस्टमर खरीदेगा नहीं, अगर आपने प्राइस ज्यादा बोला तो कस्टमर खरीदेगा नहीं, अगर आपने प्राइस कम बोला आपको क्या हो जाएगा? लॉस। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? कॉस्ट शीट। व्हाट इज कॉस्ट शीट? इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिए आप जरा ना ये पूरी स्टोरी को ना। सबसे पहले आपको आया ऑर्डर, आपको ऑर्डर आया कितना? 1000 यूनिट का। आप मुंबई में बैठे हैं, मुंबई में एक कस्टमर आया, ये आपका कस्टमर है। कस्टमर आके आपसे बोलता है वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1। आप उसको कैसे बताएंगे व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा कॉस्ट शीट। व्हाई? बिकॉज कॉस्ट शीट इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज कॉस्ट शीट? इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सही है सुनो फ्रेंड्स। तो टोटल कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला आपका जो आइटम आता है दैट इज ए डायरेक्ट मटेरियल। फॉर डायरेक्ट मटेरियल इन योर फैक्ट्री हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन? आपकी फैक्ट्री में कौन जिम्मेदार है? एक आपका रहेगा सपोज प्रोडक्शन मैनेजर, एक आपका रहेगा परचेज मैनेजर, एंड देन यू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। आपने एक एस्टिमेट किया, ये आपने एस्टिमेट किया। मैंने क्या बताया कि कॉस्ट शीट हमेशा क्या रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड फिगर। दैट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो नॉर्मली कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड फिगर। आपने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन लगाया, पूछा सर कैसे हैं, भाभी जी कैसे हैं। आपने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन लगाया, पूछा सर कैसे हैं, भाभी जी कैसे? वो आपको क्या बोलेगा? अरे भाई आप काम की बात करो, भाभी जी को छोड़ो। बोले सर अपने पास ना एक ऑर्डर आया हुआ है। आपने पूरा स्पेसिफिकेशन भेजा कि सर इस टाइप का ऑर्डर है S1 का और 1000 यूनिट का ऑर्डर है, क्या आप मुझे बता सकते हो 1000 यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा? बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ गया, कॉस्टिंग में बच्चे क्यों स्कोर नहीं कर पाते। आज मुझे FM भी आप लोगों ने रिकॉर्ड करवाया, क्रैश कोर्स FM का रिकॉर्ड करवाया। क्यों रिकॉर्ड करवाया? कि कॉस्टिंग में बच्चों को कंसेप्ट ही नहीं मालूम है, ये होता क्या है वही नहीं मालूम है, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है बच्चों की। तो ये बोलता है कि ये स्पेसिफिकेशन है सर इस टाइप का चाहिए। तो आपका प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है सर अगर फर्स्ट क्लास क्वालिटी ऑफ मटेरियल रहेगा तो एक यूनिट को बनाने में सपोज 10 kg चाहिए। इसका मतलब 1000 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा? 10,000 kg।
एक यूनिट को बनाने में कितना खर्ची है, 10 केजी, 1000 यूनिट्स अपने को बनाना है, 10,000। रेट मैनेजर बोलता है 10 रुपीज पर केजी में अपन खरीद सकते हैं, और आपका ये टोटल कॉस्ट आएगा ₹1,00,000। भाई आपको एस्टिमेट तो करना पड़ेगा ना, एस्टिमेट कैसे करेंगे, आपको पूछना पड़ेगा। किससे बात करोगे आप पहले बात करोगे प्रोडक्शन मैनेजर से। प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि एक यूनिट को बनाने में 10 केजी लगेगा, और 1,000 यूनिट्स को बनाने में 10,000, एट द रेट ऑफ 10 आपका कॉस्ट क्या आ जाएगा, एंड दिस इज योर डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,00,000। आपने फिर बात किया प्रोडक्शन मैनेजर, देन रेट मैनेजर एंड टोटल कॉस्ट, ये डायरेक्ट लेबर के लिए। आपने प्रोडक्शन मैनेजर को पूछा भाई एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे, बोलता है सर 10 आवर्स लगेंगे एक यूनिट को बनाने में, और एक आवर का इस मीन्स 1,000 यूनिट को बनाने में कितने, 10,000 घंटे लगेंगे, और एक घंटे का कॉस्ट है सपोज 10 रुपीज पर आवर, इट मीन्स आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1,00,000। सपोज टाइम बींग देर इज नो अदर कॉस्ट, इट मीन्स आपका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2,00,000। आपका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2,00,000। इसका मतलब 2,00,000 डिवाइडेड बाई 1,000, 2,00,000 डिवाइडेड बाई 1,000 आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा, 100 मटेरियल, 100 लेबर एंड 2,00,000। सही आसान हो, आपका मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा, 2,00,000। आपका लेबर कॉस्ट कितना आएगा, आपका मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा, आपका मटेरियल कॉस्ट आएगा 1,00,000, आपका लेबर कॉस्ट आएगा 1,00,000, और आपका टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 2,00,000। आपका टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 2,00,000। अब सपोज टाइमिंग देर इज नो अदर कॉस्ट, कुछ भी अदर कॉस्ट आपके पास नहीं, टाइमिंग देर इज नो अदर कॉस्ट, आपके पास कोई भी अदर कॉस्ट नहीं है, ओनली प्राइम कॉस्ट पे ही आप काम कर रहे हैं, बराबर, देर इज नो अदर कॉस्ट। इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा, 2,00,000। सो टाइमिंग सपोज देर इज नो अदर कॉस्ट, टाइमिंग आपका कोई ऑल अदर कॉस्ट नहीं है, ओके, इट मीन्स आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा, 2,00,000, बिकॉज जो प्राइम कॉस्ट है वही आपका हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 1,200। एंड सपोज आप बोलते हो कि नहीं मुझे 2,00,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो 200 आपका कॉस्ट, ये आपका 4,00,000, आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या आएगा, 4,00,000 रुपीज। यहां तक क्लियर हुआ क्या, परफेक्टली क्लियर, बोलो नो कंफ्यूजन। इवन द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, इवन द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कस्टमर, इवन द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कस्टमर, लेकिन आप प्राइस आपने कब बता दिया, प्राइस आपने क्या बता दिया, पहले। इसका मतलब आपने प्राइस क्या बता दिया फ्रेंड्स, आपने प्राइस बता दिया उसको 4,00,000 रुपीज। सही है, सुनो 4,00,000 रुपीज आपने उसको प्राइस बता दिया कि भाई 4,00,000। कस्टमर बोलता है सर डन, ये आपका स्टेप नंबर 1 था, अब आपको आ जाओ स्टेप नंबर 2। अब आपको ये देखना है कि यार ये 4,00,000 रुपीज पे क्या मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट 2,00,000 का हुआ कि नहीं हुआ। पूरे सिस्टम को समझिए, आपको ये फील होना चाहिए कि इससे दाने की कॉस्टिंग क्या था। एग्जाम्पल बोलो, वेर इज योर फैक्ट्री, योर फैक्ट्री इज इन जामनगर गुजरात, वेर इज योर फैक्ट्री, योर फैक्ट्री इज इन जामनगर गुजरात, यू आर सिटिंग इन मुंबई, वेर इज योर फैक्ट्री इज इन जामनगर गुजरात, कहाँ पर है आपका फैक्ट्री, आपका फैक्ट्री है जामनगर गुजरात के अंदर, आप सिटिंग कर रहे हैं मुंबई के अंदर, मुंबई में कस्टमर आया, कस्टमर आपसे पूछ रहा है, आप क्या बताओगे, पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा, एस्टिमेट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट बना लिया। अब कॉस्ट शीट में कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, रेट मैनेजर, प्राइम कॉस्ट तक ले आए, ऐड किया प्रॉफिट। अब आपको देखना है कि इस पे क्या आपको 4,00,000 का प्रॉफिट आ रहा है, आपने देखा दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मींस बाई सेल्स इज ₹4,00,000, 4,00,000 आपको मिलेगा,
₹4 लाख का आपको सेल्स मिलेगा। अब लेकिन देखिए, जब आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया, जब आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया, आप जरा देखिए, यही चीजें आपको पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में आएगा। पूरा जरा ध्यान से सुनिए, यही आपका एक सेपरेट चैप्टर है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन करने गए, दिस इज एक्चुअल, तो इंस्टेड ऑफ 10,000 मेटेरियल यूज हो गया 11,000 kg। ऐसा हो सकता है? कमेंट करो यस और नो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? आप पे कितना 11,000 kg मेटेरियल यूज कर दिया। व्हाट इज द रेट? रेट इज 11 एंड दिस कम्स टू 121। आपने सोचा था 10,000 मटेरियल लग गया 11,000, आपने सोचा 10 रुपीज रेट आ गया 11, इसका मतलब 121। आपने सोचा था 1 लाख लगेगा, कॉस्ट कॉस्ट आ रहा है 121। आपने सोचा था लेबर के 10,000, लेकिन 11,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 11 एंड दिस कम्स टू 121। आपने सोचा 10,000 11,000, आपने सोचा 10 11, 1 लाख 121। तो पीएनएल अकाउंट किस पे रहता है हमेशा? इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। वो हमेशा किस पे रहेगा? वो हमेशा आपका रहेगा एक्चुअल के ऊपर। आ जाइए, अब आप आ जाइए पीएनएल अकाउंट। दिस इज टू मेटेरियल 121, टू लेबर 121 एंड टू नेट प्रॉफिट 158। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आपने सोचा था कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? आपने सोचा था मुझे प्रॉफिट मिलेगा 2 लाख, 2 लैक्स, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना रहा? ओनली 158। ये साल हो गया, ये साल आपका खत्म हो गया, देर इज नो प्रॉब्लम। ये साल आपका पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। आपने सोचा क्या था कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? मुझे प्रॉफिट मिलेगा 2 लाख, लेकिन प्रॉफिट कितना आ रहा है? 158। ये साल खत्म हो गया। अब आप आ जाइए नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर अगेन, नेक्स्ट ईयर अगेन, इफ द सेम कस्टमर इज आस्किंग यू, नेक्स्ट ईयर अगेन, नेक्स्ट ईयर अगेन, अगर आपसे सेम कस्टमर पूछता है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1, तो क्या आप यही कॉस्ट शीट फॉलो करेंगे या आप कॉस्ट शीट को रिवाइज करेंगे? क्या आप मटेरियल कॉस्ट 1 लाख लेंगे या 121 लेंगे? क्या आप लेबर कॉस्ट 1 लाख लेंगे या 121 लेंगे? इसके लिए हम क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? दिस इज योर स्टेप नंबर 3, और इसको हम लोग बोलते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आपको अलग से टॉपिक आएगा, अलग से बताएंगे आपको रिकंसिलेशन, बराबर। जैसे फाउंडेशन में सीखा था ना बैंक और पासबुक के साथ रिकंसिलेशन, वैसा। इट मींस दिस इज योर प्रॉफिट एच पर, प्रॉफिट एच पर कॉस्ट शीट। कितना प्रॉफिट था? 2 लैक्स। क्यों अपने को प्रॉफिट नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ मेटेरियल। मेटेरियल हमने सोचा था कॉस्ट 1 लैक, आ रहा है 121। लॉस कितने का हो गया? 21,000। लेबर कितना सोचा था? 1, आ रहा है 121। कितने का लॉस हो गया? 21,000। 42 आपका गया। इसके लिए दिस इज योर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस इज 150। सही है सर, परफेक्टली क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, जरा समझो बात। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आगे चल के, ये तो जस्ट आपको बेसिक सिखाया जा रहा है, थोड़ा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आपको मजा आएगा, सिस्टम आपको समझ में आएगा। आपको ये देखना है कि मेटेरियल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, राइट। इट मीन्स इसको बोलते हैं स्टेप नंबर 4। इसी चीज को हम बोलेंगे एनालिसिस ऑफ वेरियंस, राइट। लेकिन मेरे को आपको यहाँ पे सिस्टम सिखाना है, मेरे को कॉस्टिंग का जो एग्जाम का पार्ट है वो नहीं, पहले आप सिस्टम को सीखो। तो क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ वेरियंस। पहला आपने सोचा था मटेरियल, कितने का कॉस्ट सोचा था? मटेरियल 1 लाख रुपीज। कितना कॉस्ट आ रहा है? 121। कितने का लॉस हो गया? 21,000। आपने कितना मटेरियल कॉस्ट सोचा था? 1 लाख कॉस्ट शीट के टाइम पे। पीएनएल अकाउंट में क्या आ रहा है? 121। कितने का? अब ये लॉस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? या तो आपका प्रोडक्शन मैनेजर या आपका
परचेज मैनेजर। कौन रेस्पॉन्सिबल है इस लॉस के लिए? इस लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल है या तो प्रोडक्शन मैनेजर या परचेज मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था? 10,000 kg मटेरियल लगेगा, लग गया 11,000। रेट मैनेजर ने क्या बोला था? 10 रुपीज लगेगा, लग गया 11। नाउ वी विल टॉक टू देम। आपको यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो, वेर इज योर फैक्ट्री? योर फैक्ट्री इज इन जामनगर, गुजरात। वेर इज योर सेल्स ऑफिस? योर सेल्स ऑफिस इज इन मुंबई। एक कस्टमर आया, कस्टमर आपसे पूछता है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1। कैसे बताएंगे आप व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? अगर आपने प्राइस ज्यादा बताया, कस्टमर वॉन्ट परचेज। इफ यू अब प्राइस कम बताएंगे, आपको लॉस हो जाएगा। आप उसको कैसे बताएंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द? उसके लिए क्या बनाएंगे? कॉस्ट शीट। फिर कॉस्ट शीट बनाने के बाद पी एन एल अकाउंट में दोनों में डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक एस्टिमेटेड है, एक एक्चुअल है। रिकंसिलेशन, फिर एनालिसिस ऑफ। ये पूरा आपका सार है कॉस्टिंग का। ये आज तक का जो मैंने पूरी लाइफ में जो कॉस्टिंग सीखा है, वो आपको एक ये एग्जाम्पल में पूरा क्लियर कर रहा हूं। अब आप उसको बोलिए कि भाई आपने तो बोला था 10,000 kg मटेरियल लगेगा और आपने 11,000 क्यों यूज किया? तो आपको बोलेगा, सर आई टोल्ड यू फर्स्ट ओनली आई वॉन्ट फर्स्ट क्लास क्वालिटी ऑफ मेटेरियल, बट दैट मेटेरियल वॉज नॉट अप टू द मार्क। मैंने आपको पहले ही बोला था, सर मुझे बढ़िया क्वालिटी का मेटेरियल चाहिए। बढ़िया नहीं था, 1,000 kg बेकार निकल गया। इसका मतलब दिस इज ए अनकंट्रोलेबल लॉस। अगर अनकंट्रोलेबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर यू हैव टू टेक 11,000 kg एंड नॉट 10,000 kg। 11,000 लगेगा, नॉट 10। या वो आपको बोलता है कि आई वॉन्ट फर्स्ट क्लास क्वालिटी ऑफ मेटेरियल, बराबर। आपको वो क्या बोलता है कि मेरे को फर्स्ट क्लास क्वालिटी का मेटेरियल चाहिए, ये मेटेरियल अप टू द मार्क नहीं था, बराबर। आर यू गेटिंग? वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। आपने मैनेजर को पूछा कि भाई आपने तो बोला था 10,000 kg मेटेरियल लगेगा, लेकिन लग गया 11। बोलेगा, सर जैसा मेटेरियल मैंने आपको बोला था, आपने वैसा मेटेरियल ला के नहीं दिया। मेटेरियल वॉज नॉट अप टू द मार्क, मतलब आपने बेकार मेटेरियल दिया। इसका मतलब दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल लॉस, बराबर। जैसे सपोज अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप ओला उबर में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बराबर, और वो सिग्नल पे सिग्नल तोड़ता है, पुलिस वाला पकड़ता है और उससे 200 रुपये फाइन के ले लेता है, क्या वो 200 रुपये आपसे ले सकता है क्या ओला उबर? नहीं, क्योंकि दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल लॉस। अगर वो ध्यान से चलाता, कस्टमर की थोड़ी मिस्टेक है इसमें, आपने 10 की जगह 11,000 मटेरियल यूज कर दिया, दैट इज योर मिस्टेक। अगर आपका मिस्टेक है, देखो कॉस्टिंग में आपको यही ध्यान रखना है कि दो ही पार्ट आपका चलेगा। आगे चल के मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है। अगर आपका कंट्रोलेबल लॉस है, आप कस्टमर से नहीं ले सकते, आपकी वजह से कुछ लॉस हुआ है, कस्टमर से नहीं ले सकते। अनकंट्रोलेबल है, आपको कस्टमर से लेना पड़ेगा। यहां पे डिफ्रेंशिएट करिए। अगर ये बोलता है 10 की जगह 10 में ही बन जाता, लेकिन मेटेरियल अच्छा नहीं था, इसके लिए 1,000 kg स्क्रैप निकालना पड़ा, कंट्रोलेबल लॉस है। नेक्स्ट टाइम अच्छा मेटेरियल लेंगे, 10,000 में काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कॉस्ट शीट बनेगा, उसमें आपको मेटेरियल कितना लेना है? ओनली 10,000 kg। अगर वो आपको बोलता है कि नहीं सर, मेटेरियल तो परफेक्ट था, मेरे से मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन करने में, मेरे से क्या मिस्टेक हो गया कि सर बाय मिस्टेक मैंने आपको 11 की जगह 10 बता दिया, इसका मतलब दिस इज अनकंट्रोलेबल और नेक्स्ट टाइम आपको क्या लेना पड़ेगा? 11,000 kg, बिकॉज दिस इज ए अनकंट्रोलेबल लॉस। आप बोलते हो, यार प्राइस 10 था, आपने क्यों 11 लिया? बोलेगा, नहीं सर, दिस टाइम व्हाट हैपेंड, देयर वाज ए इलेक्शन इन गुजरात, हमको गुजरात में इलेक्शन था और इलेक्शन की वजह से हमको क्या करना पड़ा सर, 10 की जगह 11 में मेटेरियल परचेज करना पड़ा। तो ये थोड़ी कस्टमर का मिस्टेक है, आपने 11 में परचेज किया तो नेक्स्ट टाइम तो आप हर टाइम थोड़ी इलेक्शन रहेगा, नेक्स्ट टाइम आपको क्या पे करना है? आपको 10 ही पे करना है। नेक्स्ट टाइम आपको क्या पे करना है? आपको 10 ही पे करना है। तो आपको 10 लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल लॉस। हमारी मिस्टेक हुई है ना, हमारा मटेरियल का प्लानिंग प्रॉपर नहीं था, इसके लिए हमारी मिस्टेक हुई है ना। दूसरा वो बोलता है कि नहीं सर, पहले अपना मटेरियल कैश में आता था 10, अभी GST लग गया है 10%, इसका मतलब अपने को मटेरियल मिलेगा 11 रुपीज में। पहले कितने में मिल रहा था? 10 में, अब आपको कितने में मिलेगा? 11। इट मीन्स दिस इज योर अनकंट्रोलेबल लॉस। आप इसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको 11 रुपीज लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ए अनकंट्रोलेबल। अगर अपना मिस्टेक हुआ है,
तो उसको बोलते हैं, अपना मिस्टेक हुआ है तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। आप बहुत ध्यान से सुनिए कैसे आप करेंगे। इट मींस ये कंट्रोलेबल लॉस और अनकंट्रोलेबल लॉस। कंट्रोलेबल लॉस है तो आपको कहां चार्ज करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अपना ओन मिस्टेक से लॉस हुआ है, ओन मिस्टेक से लॉस है, इसका मतलब दिस इज टोटली टोटली कंट्रोलेबल। अगर ओला उबर वाला ध्यान से चलाता तो सिग्नल नहीं तोड़ता, सिग्नल नहीं तोड़ता तो पुलिस वाले को नहीं पे करना पड़ता, हम देंगे क्या उसको। लॉजिक समझ में आ रहा है, सही है सुनो। और अनकंट्रोलेबल का लॉस है कि नहीं, वो लॉस तो हो ही रहा है तो फिर आपको उसको कस्टमर से लेना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। आपको प्रोसेस के टाइम पे मैं और डिटेल में करा दूंगा। तो ये आपका हुआ ओनली वन पार्ट, इसमें मैंने कोई भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं किया था। तो आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स, आई विल रिवाइज क्या था फ्रेंड्स, बोलो। इट इज ए स्टेटमेंट, व्हाट इज कॉस्ट शीट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज कॉस्ट शीट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट यू डिवाइड इन टू, वन इज ए डायरेक्ट कॉस्ट एंड वन इज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों से मिलके क्या बनेगा आपका प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों से मिलके ओवरहेड। ओवरहेड क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का है तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। ओके, एड फैक्ट्री ओवरहेड, आपको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग फैक्ट्री कॉस्ट, एड एडमिन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एड सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट आपको सेल्स। उसके बाद पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। ये सब आपको इतना डिटेल में नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं पूरा सिस्टम ऑफ दानिगी कॉस्टिंग क्या है। दाने की कॉस्टिंग का जब आपने नाम सुना है तो वो दाने की कॉस्टिंग कैसे काम करती है, पहले वो सिस्टम को आप समझिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ए सिस्टम, सिस्टम ऑफ दाने की कॉस्टिंग को आप अगर एक बार दिमाग में बिठा लोगे। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, वेरी चोर फैक्ट्री, सोचिए आप, विजुलाइज करिए, आप सोचिए यार सर ने क्या बोला था, फैक्ट्री कहाँ पर है, फैक्ट्री है जामनगर गुजरात में, वी आर सिटिंग इन मुंबई, एक कस्टमर मेरे पास आता है, मेरी फैक्ट्री वहां पे खोला, मैं उसको कैसे बताऊंगा व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। फ्रेंड्स कॉस्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉस्टिंग के बिना दुनिया नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक कॉस्टिंग रहेगी। तो कॉस्टिंग का एक एक पार्ट आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझना है, सीखना है। कॉस्टिंग का जो पार्ट है आपको बहुत एक एक कंसेप्ट आपको समझना है। तो मेरे फैक्ट्री जामनगर गुजरात में, आई एम सिटिंग इन मुंबई, कस्टमर आया, कस्टमर आके मेरे से पूछता है वांटेड टू परचेज 1000, पहले मैं क्या बनाऊंगा कॉस्ट शीट, फिर पीएनएल अकाउंट, दोनों को कंपेयर करूंगा, रिकंसिलेशन, फिर मैं देखूंगा कंट्रोलेबल है कि अनकंट्रोलेबल। अगर मेरी मिस्टेक से हुआ है नो प्रॉब्लम, अगर कस्टमर की मिस्टेक से हुआ है या मेरे हाथ में कंट्रोल में नहीं है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। ओके, सो दैट इज योर पार्ट वन। अब मैं पार्ट टू में आपको लेके चलता हूं, दैट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इस पार्ट में हम लोगों ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं किया था। ओके, थैंक यू।